बहन ये 10,000, ये बेटी को दे देते हैं, ये 10,000 रुपये हैं बेटा, ये आपके लिए, आपने किताबें लेनी है और आप चलें। ठीक है बच्चा, पानी ज़ाया नहीं करना, ठीक है ना, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना। लेकिन खैर इंशाल्लाह ये वीडियो आप तब देखेंगे जब मैं अच्छे से चलाने लग जाऊँ, ठीक है ना, उससे पहले मैं नहीं बताने वाला। शाम का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, कुछ बादल हैं, सूरज के सामने आए हुए हैं, 6:30 बजे का वक्त है और आज है मेरी मोटरसाइकिल लर्निंग की, बाइक राइडर राइडिंग की दूसरी क्लास, दूसरा दिन। तो ये मोटरसाइकिल है, तो ये 100 है, राइडर कहलाती है, तो कुछ लंबे सफ़र के भी काम आएगी। तो ये शब्बीर है, गली मोहल्ले मुदाफात में चटाइयाँ लेके जाता है। शब्बीर, हाँ, कितनी चटाइयाँ बिक जाती हैं रोज? अभी एक, अभी तो एक चटाई में कितने पैसे मिल जाए? 200-300 रुपए, घर का गुजारा नहीं होता। 200-300, अगर दो चटाइयां बिक गई तो 500, मैक्सिमम 600 रुपए, उसमें घर का गुजारा नहीं होता। तो इसके अलावा और कोई काम नहीं कभी सोचते? नहीं। अच्छा, घर कहाँ है अपना? अली टाउन। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ लोगों में खुशियां बांटने की है, ऐसे लोग जो कि जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से नबर्द आजमा हैं। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, मतलब दिहाड़ीदार मजदूर हैं। हमारे एक मेहरबान है, एक से ज्यादा मेहरबान है, लेकिन आज जिन मेहरबान के काम को मैं अपनी वीडियो में दिखाना चाहूंगा, जो उनका खुशियां बांटने का सामान है, मुख्तलिफ घरों में हैंडपम्प लगाए गए हैं, 10 फैमिलीज, 10 मुख्तलिफ खानदानों के यहाँ। तो आबिद चौहान साहब हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, काफ़ी अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से मेरे पास कई दर्जन हैंडपम्प हैं, वक्तन फवक्तन उनके बिहाफ पर मैं लगवाता रहता हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। तो आज ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हूँ, एक घर दिखाना चाहता हूँ जहाँ हमने वो हैंडपम्प लगाया है। तो खुशियाँ हैं सर, लोगों के चेहरों पर भी आती हैं जब उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आती हैं, तो उस घर में मैं आपको लेके चलता हूँ, एक गरीब फैमिली जो कि इंतहाई ज़रूरतमंद है। तो ये वो घर है जहाँ मैं आया हूँ। अरे भाई ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सब कुछ खूबसूरत, बस ज़्यादा नहीं चलाओ बेटा। अच्छा, ये हैंडपम्प लग गया है बेटा, ज़्यादा नहीं चलाना, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको चलाकर दिखाना कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। बाकी बच्चों को भी बता देते हैं और हम सब जानते भी हैं कि पानी का बेजा इस्तेमाल, ज़ाया करना पानी को, ये भी कुफरानी नेमत है। मुख्तलिफ हमारी वीडियोज़ में अगर हम थोड़ा सा हैंडपम्प चलाते हुए दिखाते हैं तो उसका मकसद पानी को ज़ाया करना नहीं होता, मकसद ये होता है कि आपको ये दिखा दिया जाए कि हैंडपम्प चल रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो बेटा पानी को ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है ना। आप इस घर के ही हैं, पड़ोसियों के? इस घर के हैं ये, माशाल्लाह सब बहन भाई हैं? हाँ, अच्छा, सब बहन भाई नहीं है? हाँ, तीन ये दूसरे और ये अच्छा, ये उनके घर के दो ही बच्चे हैं, अच्छा, लेडीज खड़ी हैं अगर तो। अच्छा अच्छा, वो घर में और दो खानदान है? नहीं, दो घर हैं, दो खानदान है, दो खानदान रहते हैं ना, तो फिर दोनों के बच्चे हैं ना। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह हैंडपम्प हमारा इंस्टॉल हो गया, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और घर में मैं मौजूद हूँ। चाचा केड़ा हाल है? अच्छो, खुश आयो? हाँ, नलको लगी भी हो तहां जो, तो धिको भी थुलो, ठीक है, पानी अच्छे पियो, जबरदस्त, ठीक है। किए लगो चाचा? हाँ, नलको लगी भी हो? हाँ, बस ठीक है। ही असा तहां जो सामू आयो जी, जी। लगराण वारो बियो केरा, ठीक है, सही, वो पाकिस्तान का भी बाहर बैठो आ, ठीक है, हुन नी लगराए दिनो असा के चो असी बस अच्छी वे आते, ठीक है। हां, तवा के आभार रखे, ताँ के सुख थियो, दुआई वा करे तवा के, गरीब आयो संग दुआई वा करे। हां, जबरदस्त जबरदस्त। चलो बच्चे चला। तो घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई, मोनोकार्प सी सही, लेकिन ये है कि अंकल ने दरख्त लगाए हुए हैं कुछ बहुत पुरानी, ये बूटी है जिसमें फूल उगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, खुशबू तो नहीं आती लेकिन खूबसूरती है।
चलें ठीक है बच्चा, पानी ज़ाया नहीं करना, ठीक है ना, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना। हाँ बस बस, तो मैं एक और घर में मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ एक ज़रूरतमंद फैमिली जिनके यहाँ ये हैंडपम्प लगाया गया है। भाई सिर्फ एक हाथ, सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक हाथ चला के दिखाओ ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा भाई। और सही, ठीक है, थैंक यू मुस्तफा, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक और हैंडपम्प, एक और फैमिली। यहाँ दो फैमिलियाँ हैं इस घर में, ये एक फैमिली है, एक फैमिली है, ठीक है ना, असी चाहे कौन। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और, बस ज़्यादा नहीं चलाओ बेटा, थोड़ा बस ज़्यादा नहीं चलाओ, पानी ज़ाया नहीं हो। तो बस पुट बस, और थोड़ो बस, चेक करना हो हले पे हो ना हले पे हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और हैंडपम्प हमारा इंस्टॉल हो। तो ये हमारी एक और बहन है जो कि बेवा भी है, हैंडपम्प यहाँ इंस्टॉल हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमा किए लगो, सुठो लगो, जाम सुठो लगो। हाँ मुझे मदद कई गरीब जी तां जाम सुठो लगो। चल अल्लाह ताला के खुश रखे, बस दुआओं में याद रखो, ठीक है ना। नलको सुठो लगी वे, धिकी विकी भी सुठी ठही वही है ना। हाँ पानी भी सुठो अचे पे, ठीक है ना, हले पे, ठीक है, मेहरबानी अमा मेहरबानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और हैंडपम्प हमारा। अम्मा यहाँ पर कपड़े धो रही थी अभी बैठकर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हैंडपम्प हमारा इंस्टॉल हो गया है। और ये घर के अंदर नहीं है, एक तरह की गली है, लेकिन गली आगे से बंद है, कच्चा। जो अम्मा यहाँ बैठकर कपड़े धो रही थी वो मेरे साथ ही खड़ी हुई। अम्मा जी उर्दू समझो था, सिंधी सिंधी समझो था, किए लगो बोलो, सही लगो, हाँ सुठो लगो, सहूलत थी भाई, मेहरबानी टूटी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह तांके सेहत दे, तांजी टंगू भी ठीक थे। हाँ बस दुआउन में याद रखो, असी तो दिसो भला इंतजाम था, कहीं लगराण वाला बयान वो सामू कौन था, अचन ऊपर बैठा है, हुनन जे चवण ते असी इंतजाम संभारियो था, इनके लगाए था, अल्लाह से तांके खुश कर। हाँ बस बस जे लग रहा है उन जे लाए भी दुआ करजो, ठीक है ना मां। ता भले कपड़ा धोए होने। ये एक घर है झोंपड़ियों पर मुस्तफा, सही सही, हैंडपम्प यहाँ पर लगा है। तो बस अल्लाह ताला के करम से, और सही है यार मुस्तफा, एक कंप्लेन है भाई इसका, ये जो है वो आगे से ये पाइप ये ढीला है, ये चाचा को बोलो इसको धागा लगा के सही टाइट करे, ठीक है। तो चाचा नल को तावट लगी भी हुआ कि है सहूलत थी या को जी मेहरबानी से बड़ी मेहरबानी बड़ी सहूलत है कपड़े इतने तो नल को वल को तावट हो को ना कुछ होने से। हां तो पानी भरे का परे का वो भर लो। हां चलो बड़ी मजबूरी। हां बस ये अल्लाह जा जका नेक बाना है ना। जी मैं बता दूं, ये अक्सर वो हमारे सिंधी जो नहीं समझते, खैर इतनी आसान है सिंधी, कुछ ना कुछ अल्फाज आपको समझ आ ही जाते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हमें सहूलत हुई है, हमारे घर पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, और ये वो इलाके हैं आप सोच सकते हैं कि यहाँ सब कच्ची आबादियाँ हैं, तो यहाँ वाटर सप्लाई का तो कोई तसव्वुर है ही नहीं। तो बहरहाल चाचा बड़ी मेहरबानी तहाँ जी, तहाँ खिदमत जो मौके दिनों, ठीक है। तो मैं एक और घर में मौजूद हूँ, ये घर कभी पूरा घर था, अभी इसमें दो पोर्शन हो गए हैं, दीवार बन रही है, और यहाँ हैंडपम्प लगा था हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तो ये हमारा है 8th नंबर है ये मुस्तफा, 8वां हो गया, दो और रहते हैं हमारे रिकॉर्डिंग वाले, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अमा नलका लग गया आपका जी, ठीक है, सहूलत हुई आपको कोई? हाँ शुक्र है। हाँ बस दुआओं में याद रखना, ठीक है ना। अब बस ये आपका अपना नलका हो गया है, आप इसकी ख्याल करना, इसकी देखभाल करना, ठीक है। ये घर एक अम्मा का है, अम्मा घर पे नहीं है, ठीक है ना। अब बेटी उनकी घर पर है, बच्ची, मैं उन्हें तो वीडियो पे नहीं लाना चाहता। अम्मा अपनी दूसरी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई हुई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैंडपम्प हमारा यहाँ लग गया है। तो यहाँ पानी की बस ये आप समझ लें कि जहाँ भी हैंडपम्प लग रहे हैं वहाँ पानी का कोई इंतजाम था ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा यहाँ है नहीं, वरना अम्मा से आपकी मुलाकात करवाते। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद। ये एक और घर है। हाँ बच्चा चला के दिखाओ बेटा, बस 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 ज़्यादा नहीं चलाना बेटा, पानी ज़ाया नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 10th नंबर हैंडपम्प है बेटा, सही है, अच्छा लगा हैं, है ना। तो सहूलत होगी, चले अल्लाह खुश रखे, बिस्मिल्लाह। ये टेढ़ा टेढ़ा रख देना, ऐसा सही रहेगा, ऐसे सही रहेगा। अच्छा चले बिस्मिल्लाह।
मैं यहाँ घर ढूंढने आया हूँ चटाई वाले का। चटाई वाले से बात हुई थी और गरीब आदमी है तो उससे बस उसका एड्रेस ले लिया था, वो खुद तो घर पे नहीं होगा तो उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट ले आए, एक थोड़ा सरप्राइज़ हो जाएगा उसके लिए। हाँ बेटा, यहाँ भी रहते हैं चटाई वाले? शब्बीर चटाई वाले का, शब्बीर चटाई वाले का घर ढूंढना है। शब्बीर चटाई वाले का, हाँ, अब्दुल रहमान बलोच, ये हमें यहाँ मिले हैं और ये कह रहे हैं मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ। हैं जी, देखते हैं आप। देखिए ना, अब मुझे घर भी ढूंढवा रहे हो जी, शब्बीर का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये मुझे हेल्प कर रहे हैं घर ढूंढने में। फाइनली हम शब्बीर के घर पहुँच गए। ले आओ मुझ पर उठा के लाओ। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू हैं? हाँ। क्या करते हो, स्कूल जाते हो? आ जाओ, स्कूल जाते हो? नहीं। हाँ अच्छा, तो अब्बा चटाई बेचने गए हैं मैं अभी। बिजली नहीं है, एक प्लेट है तुम्हारे पास तो चलो अच्छा है। बेटा ये एक राशन का पैकेट है, ठीक है? अब्बा को तुम्हारे नहीं पता, अब्बा से हमने तुम्हारा घर पूछा था, बस पूछ के हम लेकर आ गए हैं, ठीक है? इसमें राशन है, अब्बा को बता देना, ठीक है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, वसीम कुरैशी भाई, ये दूसरी फैमिली है आज जिनको राशन पहुंचा। ये जो सामने बहन बैठी हैं ये बेवा हैं, ये इनकी बेटी है, स्कूल जाती है। एक तो राशन का पैकेट हमने इनके घर पहुंचाया है। बहन ये 10,000, ये बेटी को दे देते हैं, ये 10,000 रुपये हैं। बेटा ये आपके लिए, आपने किताबें लेनी है और आपने यूनिफॉर्म लेना है, ये उसके पैसे हैं, ठीक है? ये पूरे पैसे आपने अपने स्कूल के लिए खर्च करने हैं, ठीक है? ठीक है बहन, ये आपके लिए राशन का पैकेट है, ठीक है बहन? ठीक है अम्मा, ये आपको मिल गया है और आपको तो पता है कि मैं सिर्फ पहुंचाने वाला हूं, देने वाला कोई और है, ठीक है ना? बस दुआओं में याद रखना अल्लाह उसको। हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तो कहती हूँ हमारे जैसों की मदद करता है बहुत है। बस बस बस, हमारी ये दुआएं हैं, उसके बच्चे खुशहाली से रहे, खुद खुशहाली। मेरा नाम आसिम है और मैं 5 क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं अली भाई का चैनल देख रहा हूँ, उनके चैनल की वीडियो करो बहुत अच्छा। ये हमारी बहन है, पुराने हमारे सारे ही वीडियोस देखने वाले जानते हैं। कैंसर था इन्हें, ब्रेस्ट कैंसर, वो ऑपरेशन हुआ, टेस्ट हुए, कीमोथेरापियां चल रही हैं। अभी हमारी बहन जाएगी 2nd लास्ट कीमोथेरापी पर, उसके बाद वो रेज जो शुआएं जिसे कहते हैं उसका प्रोसीजर शुरू होगा। बहुत से लोग हमारे मेहरबान हमारे साथ शामिल रहे, तकरीबन 19,000 रुपये हर हफ्ते इनके ऊपर लगते हैं, ठीक है ना? 17,000 रुपये ये वहाँ हॉस्पिटल जाएंगी, 2,500 रुपये की, 2600 रुपये की रिपोर्टें होती हैं हर हफ्ते कीमोथेरापी होती है। और इसमें कई मेहरबान थे अभी पहले और अभी फजल सिद्दीकी भाई हैं, उनकी तरफ से हर हफ्ते इन्हें 19,000 रुपये, 19,500 रुपये, तो वो हमारे जरिए से पैसे उनके हैं। तो इनका इलाज अब बहुत करीब पहुँच चुका है, बहुत करीब पहुँच चुका है कि ये बिल्कुल रूबा सहत हो जाएंगे। तो कि आपको आपको कितनी, यानी कि इस बात की आपको कितनी परेशानी थी जब, है ना? मैं अकेली थी, मेरा कोई नहीं था, तो मैं बेवा थी, बेवा खातून है, बेवा खातून है। और ये इनकी इनकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था, इनकी आंखों के सामने अंधेरा था। ठीक हो जाऊंगी बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे दे, उनको सेहत दे, जो मेरी मदद करी, जो बहुत बड़ा काम हुआ है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि एक पेशेंट पहले दिन से चलकर इस जगह पहुंचा है कि 18-19 कीमोथेरापी भी कंप्लीट होने वाली है, ऑपरेशन भी हो चुका है। तो अल्लाह करम करेगा, बस बहन आप जब पूरी ठीक हो जाएंगी ना, सब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, तो बेइंतहा खुशी होगी, है ना? अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे दो, आमीन। जो मेरी मदद की, रब पाक उसकी मदद कर दे बेटा, आपकी भी मदद अल्लाह पाक कर। आप उन तक मुझे पहुंचाया और आपने मेरी मदद भी करी, उन लोगों ने भी मदद करी जो मेरी मदद करी है। अल्लाह उनको जिंदगी दे दे, उनको सेहत दे दे, बच्चों को भी जिंदगी दे दे। मैं हमेशा हमेशा दुआ करती, दुख मुझे नहीं जाएगा, मैं हमेशा दुआ करती रहूं। बेवा थी, मेरा कोई आंखों वाले अंधेरा था, मेरा कोई नहीं था, मैं किसको बोलूं? बस मैं तो अभी दो बच्चे छोड़ के, मैं एक बच्ची मेरी छोड़ के मैं मर जाऊंगी। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, सब लोग आपके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास ओल्ड सिविल हॉस्पिटल के साथ, एक इमारत है मीरपुर खास के पुराने रहने वाले बखूबी जानते होंगे, जहाँ पारस म्यूजिक सेंटर कायम था, ये वही इमारत, कोने पर पारस म्यूजिक सेंटर था। तो सिविल हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल स्टोर, उसके साथ एक शोरूम, उसके साथ एक पुराना होटल अजीज होटल। मोटरसाइकिल शोरूम पर आने की एक खास वजह है, हमारे पुराने मेहरबान बहुत से हमारे व्यूअर्स कमोबेश कुछ एक दर्जन के या आधा दर्जन ज्यादा, जो कि मुझे पार पार कहते रहे कि सर
आप मोटरसाइकिल खरीद, और मैं उन्हें हमेशा ये कहता रहा कि सर नहीं, मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, और जिंदगी में और बहुत सारे दुख हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। एक हमारे मेहरबान ने डायरेक्ट मुझे मोटरसाइकिल ऑफर की, मैंने कहा यार, उन दिनों एक खातून थी जिसको कुछ मदद की जरूरत थी, तो मैंने कहा यार मुझे मोटरसाइकिल रहने दें, इस खातून की मदद कर। किस्सा मुख्तसर, चलते चलते हमें जाकिर खान साहब मिले, और भी हमारे बहुत मेहरबान है, शफीक सिद्दीकी भाई, अनीस भाई, बहन एक हमारी, वो बहुत से लोग, मैं हमेशा उन्हें डिनाई करता है, उनसे कुछ हुज्जत हो गई थी तो मैं उन्हें डायरेक्ट इनकार करते थे, तो मैं कहा सॉरी सर मैं ये ना कर। तो जाकिर खान साहब मिले, कनाडा से हैं, उन्होंने आओ देखा ना ताओ पूछा नहीं और पैसे भेज दिए, और इस बात को भी कमोबेश 3 से 4 मंथ हो चुके। मैं बड़ा शर्मिंदा था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि यार मैं मोटरसाइकिल खरीदूं, पता नहीं अपने आप पर कुछ खर्च करते हुए मेरा दिल नहीं मानता, सच्ची बात है, मुतमिन नहीं होता मैं। और 3-4 महीने से उन्होंने पैसे भेजे, मैं उन्हें पहले तो ये कहता रहा कि सर लेंगे लेंगे लेंगे, और पिछले 1 महीने से उनकी कॉल्स आ रही हैं और शर्मिंदगी से मैं कॉल पिक नहीं कर रहा, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि यार मैं मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहा। और आखिर कल मैंने उन्हें काफी दिनों के बाद रिप्लाई किया, मैं इस मोटरसाइकिल शोरूम पर आया तो मैंने यहाँ एक मोटरसाइकिल देखी, 100 होंडा की, और वो मोटरसाइकिल मैं खरीदने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जाकिर खान साहब, और जितने लोग जितने मेहरबान मुझे ऑफर करते रहे उनसे मैं इंतहाई माफी के साथ, सर सच्ची बात है मेरा दिल नहीं मानता कि अगर आप मुझ पर कोई चीज खर्च करने को कहते तो मुझे बस अच्छा नहीं लगता कि यार, और बहुत सारी परेशानियां हैं। एक सिंधी का गाना है, उसका एक मिसरा है शेर का, कि आऊं किए सेज सुमा मुंजा मारू अड़ा पट ते, वो उसका उर्दू कुछ तर्जमा ये है कि मैं कैसे एक अच्छी एक सेज पर एक पैड पर सोऊं जब मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जमीन पर सो रहे हैं, तो शर्मिंदगी होती है थोड़ी सी, लेकिन जरूरत भी है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खान साहब का। तो ये मोटरसाइकिल है, बातें थोड़ी लंबी हो गई, मेरा दिल तो और भी ज्यादा बातें करने को चाह रहा था, लेकिन आप में से किसी को बुरा ना लगे मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो ये 100 है, प्राइडर कहलाती है, तो कुछ लंबे सफर के भी काम आएगी, और मैं भी चुपके से मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था करीबन 1-2 मंथ से, तो कुछ ना कुछ सीखी है, तो फिर चलें, जब अपनी हो जाएगी तो फिर बाकायदा सीखने में आसानी हो जाएगी। क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम है? अब्दुल हलीम, ठीक है उसामा भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपकी दी हुई मोटरसाइकिल हम लोग चलाएंगे, ठीक है, कबूल करें आपको, आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया भाई। आपका क्या नाम है? आबिद। आबिद, आबिद भाई अल्लाह ताला आपको सरफराज बनाए, बहुत शुक्रिया। अगर मैं ये कहूं कि मैंने 20 या 25 साल के बाद मोटरसाइकिल चलाई, उससे पहले एक बार चलाने की कोशिश की थी, चला भी ली थी, डर एक फोबिया का शिकार था, सीखी नहीं, वो चला ली थी, और आज अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 25 से भी ज़्यादा, शायद 25 साल, हाँ 25 साल, 22-25 साल हो गया, शादी से पहले की बात, आज मेरे बेटे ने मुझे इतनी मोटरसाइकिल मुझे सिखा दी है। उससे पहले हम 2-3 अटेम्प्ट कर चुके थे, उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू की जब मुझे लगा थोड़ी सी चलानी सीख लो। बहुत से मेहरबान कहते रहते कि यार मोटरसाइकिल ले लो, बहुत से ऐसे रहम दिल अल्लाह के नेक बंदे जो कहते हैं यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम मोटरसाइकिल गिफ्ट करते हैं। आप यकीन करें दर्जन भर तो नहीं लेकिन 5-6 अफराद तो ऐसे होंगे जिनको मैंने डिनाई किया पिछले 2 साल में, मैंने कहा सर नहीं मुझे चलानी नहीं आती तो मैं मोटरसाइकिल क्यों लूँ गिफ्ट का, तो माफ कीजिएगा सॉरी। एक भाई ने कहा हमारे इंग्लैंड से, मैंने कहा आप किसी की मदद कर दें, हमारे जरिए से कर दें, खुद कर दें, मुझे मोटरसाइकिल पे पैसे ना लगाएं मेरे। लेकिन पिछले दिनों एक हमारे मेहरबान हैं जाकिर खान साहब कनाडा से, उन्होंने बस बिना कुछ सुने पैसे भेज दिए अकाउंट में, तो मैंने कहा सर अब तो सीखनी वाजिब हो गई है, तो आज पहली ट्राई की है, जुम्मे का दिन है, शाम है मुजाफात में एक जगह, तो अल्लाह खैर करे तो सीखते हैं प्रॉपर। अभी तो पहले और दूसरे गियर में चलाई है मैंने, सड़क पर तो नहीं गए, लेकिन मेरे की कोशिश करेंगे कि अब प्रॉपर रोजाना 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट प्रैक्टिस करें।
शाम का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, कुछ बादल हैं, सूरज के सामने आए हुए, 6:30 बजे का वक्त है और आज है मेरी मोटरसाइकिल लर्निंग की, बाइक राइडर राइडिंग की दूसरी क्लास, दूसरा दिन। आज तीसरा दिन है हमारी मोटर बाइक लर्निंग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो आप तब देखेंगे जब मैं अच्छे से चलाने लगता हूँ, ठीक है ना? उससे पहले मैं नहीं बताने वाला। स्टार्ट हो गया यार। चलें फिर, एक मिनट मैं स्टार्ट करूँ दोबारा। थैंक यू जाकिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ ट्राई की सीडी पर, सीडी 70 पर मोटरसाइकिल सीखने की, ये 100 है तो उससे कुछ ज़्यादा हैवी है, तो इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिसेस की है मैंने, उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा जो मैं छुप के सीखने की कोशिश करता रहा, तो इंशाल्लाह किसी दिन अकेले इसको राइड करेंगे। तो खान साहब, जाकिर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जजाकल्ला।